2014 में 30 साल के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी है और देश अनुभव करता है जब मिलावटी सरकार होती है तब क्या हाल होता है और अब तो महामिलावट आने वाला है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार होती है तो कितने निर्णय कर सकती है, कितनी गति से आगे बढ़ सकती है और निर्धारित महामिलावट यहां पहुंचने वाले नहीं है। ये महामिलावट आप कलकत्ते में इकट्ठा करो, देख लो, ये महामिलावट का हाल देखो, केरल में मुंह नहीं देख पाएंगे एक दूसरे का। ये महामिलावट का नेतृत्व करने वालों को उत्तर प्रदेश ने बाहर कर दिया। ये महामिलावट देखने वालों को, और इसलिए ये महामिलावट का खेल ये स्थिति देखी है। देश कतई मां अब तो जो हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी है वो भी मिलावट से दूर रहती है, हेल्दी डेमोक्रेसी वाले भी ये महामिलावट से दूर रहने वाले हैं। जब बहुमत वाली सरकार होती है, प्रजा देशवासियों के लिए समर्पित सरकार होती है तो काम कैसे होता है। 2014 के पहले आपकी सरकार थी, गरीबों को घर मिलना चाहिए यह 1947 से हर सरकार ने विचार किया है, लेकिन 2014 के पहले 5 साल आपकी सरकार ने 25 लाख घर बनाए, हमने 55 महीने के अंदर 1,30,00,000 घर बना करके चाबी दे दी और घर भी जिसमें शौचालय है, जिसमें बिजली है, जिसमें गैस का कनेक्शन है, ऐसे चार दीवारियां बना करके काम पूरा नहीं कर रहे हैं। और आज वो बात आप जहां आपके लोग हैं वो भी आकर के कहते हैं कि मेरे इलाके में आवास अलॉटमेंट करवा दीजिए और पैसे गरीब के खाते में सीधे जमा हो रहे हैं, बिचौलिए नहीं है। अब आपके घोषणा पत्र में 2004 में था, 2009 में था और 2014 में भी था, और आपने कहा था कि वो भी आप ये 3 साल कहां से ले आए मुझे मालूम नहीं, आपका 3 साल का डेफिनेशन क्या है वो भी मुझे मालूम नहीं। 4 में भी कहा कि 3 साल में हर पंचायत को हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ेंगे, डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ेंगे, 4 में कहा था, वही बात 9 में कही, वही बात 14 में कही। जब हम आए तब 59 विलेजेज में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा था, यानी आइडिया नया। अब आप कहेंगे हमारी योजना, आपकी योजना मैनिफेस्टो में लिखा है, करेंगे, लिख दिया। 2004 से शुरू क्या काम आपने, 2014 में पहुंचते 59 विलेजेज में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, 55 महीने की हमारी सरकार में 1,16,000 गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंच गई।